दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूनी टोकन को और साथ ही साथ यूनी एक्सचेंज को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उसके अलावा साथ ही साथ दो एयर ड्रॉप्स हैं वो भी आप लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एयर ड्रॉप्स की जानिब चलते हैं। ब्लू बाइटेक्स के नाम से एक नया एयर ड्रॉप है, इसको लाजमी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, एक्सचेंज का एयर ड्रॉप है। सिंपली आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो और अपनी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है देके यहाँ पे साइन अप कर जाओ। साइन अप करने के बाद आप लोगों को मिलेगा आपका रेफरल लिंक, उस रेफरल लिंक को भी शेयर करो कुछ दोस्तों के साथ जो इनका अपना टोकन है ब्लू बायटेक्स वालों का। क्लेम किया जा रहा है कोई $18 के टोकन आपको फ्री में मिलेंगे, तो आप लोग इसको जल्द अज जल्द ज्वाइन कर लो। ये आप लोग देख सकते हो 2355 यानी कि 2355 मेंबर्स यहां पे आ चुके हैं। 16 कॉइन ट्रेड्स यहां पे इस वक्त ऑन होंगे यानी कि 16 मार्केट्स अवेलेबल हैं। तो लाजमी इस वाली एक्सचेंज के ऊपर आके सिंपली साइन अप करो और साइन अप करने के बाद देखो आगे क्या बनता है यार। उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह इन लोगों ने काफी शोर मचाया हुआ है और उसके अलावा काफी अच्छे अच्छे कॉइन्स जो है यहाँ पे इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं, तो प्रोबेबली आप लोगों को फायदा देके जा भी सकता है अगर आप लोग इसके ऊपर अभी के अभी साइन अप कर लेते हो। बट द थिंग इज दिस, अपने रेफरल लिंक को जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि वहां से ही आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन चलता हूं अगले कंपटीशन की जानिब। सॉरी यहां पे जी ये यूसीए वालों का एक कंपटीशन है, तो अब आप लोगों ने इसको कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो यूसीए कॉइन की जो वेबसाइट है इसको क्या कहते हैं जाके विजिट करो, उसके बाद यहां से तमाम सोशल मीडिया को ज्वाइन करो। उसके अलावा दोस्तों यहां पे एक जरूरी चीज ये है कि भाई आप लोगों ने कैटेक्स एक्सचेंज के ऊपर जाके लॉगिन मारना है और लॉगिन करने के बाद वहां पे जो आपका यूसीए का वॉलेट एड्रेस है उसको यहां पे एंटर कर दीजिएगा तो ही आपका काम बनेगा, वरना प्राइस कहां जाएगा खुद सोचो। तो इसलिए कैटेक्स के ऊपर जरूर साइन अप करना, कोई नो योर कस्टमर नहीं करानी, सिर्फ साइन अप करके वहां से अपना यूसीए का वॉलेट एड्रेस यहां पे एंटर कर दीजिएगा तो आप लोगों का काम बन जाएगा। उसके अलावा कुछ दोस्तों को भी रेफर करो ताकि आप लोगों को मजीद फायदा होता रहे यहां पे क्लिक करने के बाद। तो जल्द अज जल्द इस एयर ड्रॉप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन। और यहां पे $1000 के यूसीए टोकन जो है ये फ्री में दे रहे हैं। यूसीए टोकन इस वक्त कैटेक्स एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, तो प्रोबेबली फायदा यहां से भी आप लोगों को मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल अर्न विद फ्रीडम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नए आए हो तो हमें सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करते जाइएगा, स्पेशली हमारे व्हाट्सएप पे जहां पे आप लोगों को एक ग्रुप मिलेगा रेफरेंस शेयर करने का, तो वहां पे जाके अपने रेफरेंस को शेयर करो। डिस्कशन ग्रुप में बिल्कुल भी शेयर मत करना, जो रेफरल के लिए एक अलहदा ग्रुप बनाया गया है वहां पे जाके ही अपने रेफरल लिंक्स को इस्तेमाल करो, शेयर करो, ताकि कुछ दोस्त आपके रेफरल लिंक से अगर साइन अप कर जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम इट। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। आज का हमारा मुद्दा है भाई यूनी स्वैप एक्सचेंज और साथ ही साथ यूनी स्वैप टोकन। अब भाई यूनी स्वैप टोकन की मुकम्मल सप्लाई जो है 1 अरब के करीब करीब है, फिर भी मैं एक तो कंफर्म कर लेता हूँ। यूनिट 100,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, असल में स्कूल में इसी तरह सिखाया था तो उसी तरह याद है। 1 अरब यहां पर इसकी मुकम्मल सप्लाई है। उसके अलावा जो इसका 24 आवर्स का वॉल्यूम है वो भी हम देख लेते हैं। यूनिट 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अच्छा जी, अब इसमें से 20 करोड़ जो है वो इस वक्त लाइव है 1 अरब में से, मतलब मुकम्मल जो सप्लाई है 1 अरब में से 20 करोड़ जो है वो इस वक्त लाइव है, जो कि अपना सर्कुलेटिंग सप्लाई में गिनी जाती है। बकाया जो है वो इस वक्त अभी तक यूनिस्वैप वालों के पास ही मौजूद है, वो अभी तक मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं आई। अब इस टोकन की इस वक्त प्राइस चल रही है 2.75 के करीब करीब, और मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरा ख्याल है $8 या $9 तक ये टोकन एक दफा जा चुका है। इसको ओवरव्यू में जाके जरूर एकदम पहले चेक कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि $8 तक ये गया है। अब ये पता चलेगा भाई कि मैक्सिमम ये कहां तक गया है। ऑल टाइम हाई बिल्कुल भाई ये जी 8.40 तक जा चुका है और ऑल टाइम लो में $1.03 तक नीचे भी गिर चुका है। अब इसके क्या चांसेस हैं और आया इसमें इस वक्त ट्रेड करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। अब मैं आपको यहां पे ना 2-4 चीजें समझाता हूं, इसको जरा समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों यहां पे ना हमारे पास एक एक्सचेंज थी सबसे पहले, जिसको ना बड़ा हम लोग माना जाता है कि भाई बाइनेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज। अब ये जो एक्सचेंज है यूनिस्वैप, ठीक है, अब इसके अंदर मसले हैं, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। अक्सर मेटामास्क में क्या होता है, हमारी फीस निकल जाती है, हम लोग टोकन नहीं खरीद मतलब खरीद पाते, स्वैप नहीं होता, अक्सर हम लोगों ने सेल आउट करने जाना होता है तो उसकी प्राइस अगर बाइंग की चल रही है $7 तो लिक्विडिटी ना होने की वजह से उसी टोकन की अपना सेलिंग प्राइस चल रही होती है $4। इस तरह के मसले बिल्कुल हैं, बट
पिछले दिनों जिस जिस एक्सचेंज के साथ, आपको भी पता है कोई एक दो एक्सचेंजेस के साथ कुछ अपना मसले पड़ गए, स्कैम्स के कुछ एक्सचेंजेस जो है उनके कुछ फंड्स उठाए गए, उसके बाद अब जो है आजकल मैं आपको वैसे सिर्फ समझाने के लिए मतलब समझा देता हूं कि यूनिस्वैप एक्सचेंज पे चल। अच्छा जी, यहां पे अब हम लोग यूनिस्वैप एक्सचेंज का हम सिर्फ डाटा से चेक कर रहे हैं। अब यहां पे सिर्फ एक चीज नोट करो कि भाई इन लोगों का जो वॉल्यूम है वो अन्य भाव बढ़ रहा है, ठीक है, डेली के हिसाब से ना इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। उसके अलावा मजे की चीज, 3062 यानी कि 3062 पेयर्स इस वक्त हैं, 1219 डिफरेंट टाइप के कॉइन्स इस पे मौजूद हैं। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा भी आप स्कैम कॉइन्स को निकाल दो ना, 200 कॉइन्स को निकाल दो बीच में से कि भाई स्कैम थे, फिर भी 1000 कॉइन्स होना बहुत बड़ी बात होती है। अब रह गई बात, हम लोग वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि था भाई यूनिस्वैप टोकन का क्या फ्यूचर नजर आता है। सबसे पहले तो भाई यूनिस्वैप एक्सचेंज एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और उसकी वजह से इन्होंने अन्य वाह पैसा कमा लिया। अन्य वाह पैसा इस तरह के भाई सारा का सारा कुछ आपके अपने हाथ में है, कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि भाई विदड्रॉ करने के लिए कोई मसला पड़ेगा, आपका अपना वॉलेट है मेटामास्क, उसके अंदर ही आपने इसको कनेक्ट करना है, आपने ट्रेड मारनी है, ट्रेड के बाद जो ही आपको नजर आता है कि कोई भी कॉइन उसकी प्राइस ऊपर जा रही है तो आप आसानी से उसको बेच के जान छुड़ाओ, ठीक है। अब रही बात जो यूनी का जो अपना टोकन है ये कहां तक पंप होगा, दोस्तों मेरे नजदीक जहां तक मेरी मतलब इतना नहीं मुझे नॉलेज, जितना का नॉलेज है मैं उतनी सिर्फ बात बताऊंगा, ये टोकन जो है यूनी का अपना आराम से 30 से 35 डॉलर यानी कि 35 से 36 डॉलर तक जाएगा। आप लोग यहां से अंदाजा लगाओ, इतना बड़ा एयर ड्रॉप देने के बावजूद भी उसकी प्राइस में कोई खास फर्क नहीं आया। नहीं तो मजाक से मजाक रहा यार, इतना ये जो एक सिंपल देखो, कोई भी एयर ड्रॉप होता है ना, ठीक है, कंपनीज जो है ना वो 6-6 महीने साल साल ना एयर ड्रॉप के टोकन्स नहीं देते आप लोगों को, अगर दे देते हैं लॉक कर देते हैं उनको, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ ये देखो कि यूनी टोकन वालों ने कितना बड़ा एयर ड्रॉप दिया और काफी ज्यादा लोगों को मिला भी, ठीक है, ये नहीं कि नहीं मिला, काफी ज्यादा लोगों को मिला यूनी के टोकन्स, और मिलके आप लोग खुद देख लो कि कितना कितना आप लोगों ने इससे बेनिफिट लिया। तो उस हवाले से ये टोकन आसानी से, ठीक है, मैं आपको बताऊं 28 से 30 डॉलर कहीं नहीं गया। अब आपको यार मैथ्स अपना सही कर, ये कर वो कर, बट जिस तरह ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, और यहां पे एक मजे की चीज और भी आपको दिखाता हूं, यहां पे मैं आपको ना सारे इसके पेयर्स दिखाता हूं, इन सारे पेयर्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसको कहां चल रहा है ये जरा खुद नोट करो, उसके बाद आप लोगों को डेफिनेटली समझ आ जाएगी कि ये जो मैं कह रहा हूं इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं। ये जी 24 आवर्स वॉल्यूम है इसका, और ये आप लोग खुद देख लो, कोई 55,25,310 डॉलर का है 24 आवर्स वॉल्यूम। तो दोस्तों आसानी से अगर आप लोग इस कॉइन को होल्ड कर रहे हो, मतलब कोई अगर आपने एयर ड्रॉप वालों को होल्ड किया हुआ है या अभी इसको बाय करने का सोच रहे हो, तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर यू। थोड़ा सा इसको देख लो, अगर नीचे जाता है 2.25 या 2.50 तक तो उसके बाद इसको उठा लो, उठाने के बाद इसको होल्ड करके रखो कोई एक साल, तो डेफिनेटली आप लोगों को 30x तक भी ये टोकन देके जा सकता है मेरे अंदाजे के मुताबिक। बाकी आप खुद भी मतलब खुद अक्लमंद हो यार, बाकी खुद भी स्टडी करो, और अगर समझ आती है इस बात की तो जरूर इस कॉइन को होल्ड करो। बट ओवरऑल डिसेंट्रलाइजेशन में ये एक्सचेंज यूनिस्वैप, साथ ही साथ इनका टोकन बहुत आगे जा रहा है। और जो मैंने बात करने लगा था बाइनेंस की, वो बीच में रह गई। हुआ क्या है, बाइनेंस एक टाइम था कि बाइनेंस का हाईएस्ट वॉल्यूम्स जो थे बाइनेंस पे थे, अब मगर ऐसा नहीं है। अब लोगों को अपने फंड्स बचाने का इतना शौक हो गया, मतलब कि अब हम हर बंदा जो है इतना डरता है यार इस चीज से कि यार ऐसे ना हो कोई एक्सचेंज में हम लोग डालें फंड्स और वो जी भाग जाए, या वो कहे कि हमारे साथ तो हैक हो गए हम लोग, ठीक है फिर हम लोग क्या करेंगे। तो दैट इज द इशू जिसकी वजह से लोग इस वक्त डरते हैं और इसीलिए इस तरह की डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर जाते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक चीज पढ़ रहा था किसी जगह कि सिर्फ और सिर्फ ये आप लोग अगर इसका छोटा सा टाइम मतलब स्पैन ऑफ टाइम है, उन्होंने कहा जी जून से लेके ऑनवर्ड्स ये अक्टूबर तक अभी तक यानी कि 4-5 महीने, इसमें उन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जिनको कोई पूछता भी नहीं था, एक टाइम था कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में हम लोग नहीं जाते थे और बल्कि आपस में बात होती थी कि भाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में यार बिल्कुल नहीं फायदा, बिल्कुल कोई काम नहीं है यार, बड़ी टेंशन ही होती है उल्टा, ठीक है। अब वहां पे ये हिसाब है कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे लोग थोड़े 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 फंड रखते हैं अपना सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने के लिए, नथिंग एल्स, क्योंकि लोगों को भी अब डर लगता है कि ये ना कि भाई हमारी तमाम जमा पूंजी जो है, समझ लो कि 10,000 डॉलर है आपकी जमा पूंजी मिसाल के तौर पर, वो सारी की सारी निकल गई सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज अगर आपकी हैक होती है तो। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में यह है कि आपके टोकन आपके हाथ में है, आपकी तमाम प्रॉपर्टी आपके हाथ में है,
तो आज नहीं तो कल जब भी आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग अपना बेनिफिट लो और बात खत्म। तो लाजमी टोकन को चेक कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। नई वीडियो किस कॉइन या किस टोकन या किस एक्सचेंज के हवाले से होनी चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताओ। एक दोस्त ने कहा कि कोई अच्छा लेजिट काम बताओ, तो वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द मैं शेयर करता हूं। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो पसंद आई है। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। थैंक यू।